वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। गेस करो अपन कहाँ आए हुए हैं। अपन आए हुए हैं बागेश्वर धाम। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आपको माता रानी खुश रखे। वो खड़ी है प्यारी सी फॉर्चुनर हमारी पीछे, और ये बागेश्वर धाम का जस्ट रोड, यहाँ से अपन अंदर आए हैं। अभी टंकी पे डीजल डलाएंगे और 4 से 5 किलोमीटर है यहाँ से अपना बागेश्वर धाम। सुबह के बजे हैं 5:55, अभी 56 हो गए लो। और ये मॉर्निंग चिड़िया उड़ रही हैं, कुकू बोल रही हैं। पता नहीं मैं इतना सुबह इससे पहले कब उठा हूँ, लेकिन भाई मॉर्निंग में उठने का मज़ा ही अलग है। तो गाइस टंकी फुल करा ली है, अब निकल रहे हैं सीधा मंदिर की ओर अपन बागेश्वर धाम। देखो तुम्हारे भाई ने टंकी करा ली है फुल, है फुल। गाइस अपन निकल रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, चलो वहीं पहुँच के दिखाता हूँ तुम लोगों को। गाइस ये अपन पहुँचे हैं अभी, पूरा पहाड़ लगा है और जस्ट अब नहाने के लिए हमको ढाबा मिल गया है। बोर है इधर, बोर में अपन नहाएंगे मस्त आराम से। वो देखो ये पानी चल रहा है, इधर ही नहा लेते हैं क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है यार, समझ रहे हो। मैं पहले भी आया हूँ ना, अंदर हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहीं नहा लें, चाय आए पी लें। और ये पहाड़ के जस्ट आगे आधा किलोमीटर बाद अपना धाम आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नहा धो लेते हैं। क्या दिख रही है ना भाई, लुक में दिख रही है ना, फच्ची फच्ची बोलना कमेंट करके, ठीक है। 7:30 बज गए हैं, नहा लिया, गाड़ी भी थोड़ा पोछ पाछ ली, और तुमको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो कैसा लग रहा है ये बताओ, माता पिता को साथ लेके चलना। तो भाई गाड़ी पार्किंग यहाँ हुई है हमारी, बड़ी मुश्किल में से तो जगह मिली है हमको, जहाँ मिली वहीं खड़ी कर दी है अपनी हम प्यारी सी कार को। बाकी आ गए बागेश्वर धाम हम। देख रहे हो गाड़ियाँ कैसी खड़ी हैं भाई, जहाँ जिसको जो पार्किंग मिली है डाल के चला गया। गाइस बहुत जल्दी विकास हुआ इस गांव का। मैं 4 महीने पहले आया था ना, सिर्फ ऐसी झोपड़ी नहीं बोलूँगा, मतलब टेंट, ठीक, ये घर और कुछ भी नहीं थे भाई। जिस तरीके से डेवलपमेंट है ना यहाँ का, मेरे को लगता है 1 साल बाद ये, 5-6 साल बाद ये शहर घोषित हो जाएगा पूरा, बहुत तेज़ी से। तो गाइस यहाँ लगता है बाबा का दरबार, और देखो बाबा की फॉर्च्यूनर सेम लग रही ना, हाइट ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी है, अंदर खड़ी हो गई। गाइस अभी मंदिर का हम लोग फेरा ही ले रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन है, उधर से लगे थे अपन लाइन में, अब जस्ट पहुँचने वाले हैं इधर। ये मंदिर का बैक है, वो फ्रंट है, और यहाँ भाई गलत ही सीन है भाई, सबको भूत प्रेत लगा हुआ है यहाँ। मुझे तो डर है कहीं ठीक भूत प्रेत आ जाए, समझ रहे। बाकी आ गए अपन फ्रंट, चलो वहाँ की कैमरा अलाउ नहीं है। मैं पापी हूँ गाइस, देखते हैं, एक बार टूट गया तो मैं पापी हूँ, नहीं टूटा तो नहीं हूँ। ये टूट गया, मैं पापी हूँ, टूट गया। जय बागेश्वर आए, गाइस टूट गया मतलब मैं पापी मान गया। गाइस अब जा रहे हैं भभूति लेने, और कैसे निकलना दिखाता हूँ। निकल जाएंगे ये, निकल गया अब, निकल गया अब, आ जाओगे। भाई मोटा भाई कैसे आएगा इससे, मोटा भाई, ओ मोटा भाई आइए, इसीलिए बोलता हूँ जिम जाइए। गाइस तो दर्शन अर्शन हो गए, अब निकल रहे हैं हम अपने घर की ओर। बाकी तुम्हारे भाई ने ले लिया है ये धारण करेंगे। बाकी गिट्टी बिछी, अभी रोड नहीं बनी, नंगे पैर बहुत तेज घटता है यार इधर, समझ रहे। तो चलो अपन निकल रहे हैं। अब बात रही पॉजिटिव बात निगेटिव बात, तो वो कार में बताता हूँ तुमको। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, कुछ चीज़ें बहुत ख़राब लगी, अब वो भी बात अलग है कि एक चलो कार पर ही बोलता हूँ। तो गाइस चलो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे को यहाँ की अच्छी नहीं लगी आज। पहली चीज़ तो भाई यहाँ गंदगी बहुत है, हफ्से ज़्यादा, ठीक है।
रहना खाना तो चलो एक बेस्ट है, इतना जल्दी डेवलप नहीं हो सकता, गांव था, अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पर अगर भाई यहाँ ना सबसे पहले कौन शौचालय बोले थे, फुलअप शौचालय बनवाना चाहिए कायदे से गवर्नमेंट को, या धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को, हमारे बागेश्वर धाम बाबा जी को। ठीक है, यहाँ भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मैंने देखी हर जगह गंदगी है भाई, हर जगह। तुमको यकीन नहीं होगी, जब मैं फॉर्चुनर खड़ा किया था ना वहाँ, उसके बाद जब हम फॉर्चुनर उठाने गए तो फॉर्चुनर के पीछे भी गंदगी कर गया कोई, समझ रहे हो, हद से ज्यादा गंदगी है, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिलती है। मंदिर के अगल बगल भी इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, और कचड़े वाली गंदगी नहीं, समझ जाओ मैं किस टाइप की गंदगी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कायदे से फुलअप शौचालय यहाँ होना चाहिए, जिससे जिम्स तो एडजस्ट हो जाते हैं, चलो जो गाड़ियों से आए तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, पर जो अपने साधन से नहीं आते, ऑटो से आते, बस से आते, एक एक दिन दो दो दिन रुकते हैं, उनको बहुत दिक्कत जाती है। ठीक है, बस इकलौती कमी लगी है, गंदगी बहुत है, बाकी सब तो भाई अब भगवान के दरबार में आए, कोई फाइव स्टार होटल में नहीं आए हैं, तो अपन डिमांड नहीं कर सकते कि एकदम भाई हर चीज होनी चाहिए, बस गंदगी, बस गंदगी सॉल्व हो जाए, बाकी सब बढ़िया, बाकी अपना कुछ है नहीं, सब बढ़िया से हो गया। चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, जय श्री राम भाई, मिलता हूँ आपसे कल।